नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आप लोग की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आम की मजेदार चटनी कैसे बनाएं, कच्चे आम की, इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें और जो एक बैल है उसे भी दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो सबसे पहले चाहिए हमें कच्चा आम। तो ये दो कच्चा आम दिया हुआ है, आगे मैं आपको बताता हूं क्या करना है, तो पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, आम की चटनी बनाने के लिए पहले आम को अच्छे से छील लीजिए इस तरह से। आम की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक मध्यम आकार का प्याज चाहिए, इसके अलावा दो बड़े चम्मच जीरे चाहिए, भुना हुआ जीरा चाहिए हमें दोस्तों, और दो लाल मिर्च चाहिए बड़ी वाली साइज की, जो कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए वो चाहिए। इसके अलावा एक गांठ हमें लहसुन चाहिए और एक जो है 1.5 इंच के आसपास हमें अदरक चाहिए। तो इसको पहले मैं छील लेता हूँ, इसको काट लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं आप, मैंने सब छील लिया है और अब मैं सीधा जो है हमारे जो है मिक्सी में डालूंगा और इसको पीसूंगा। इसमें सिर्फ हमें आधा चम्मच नमक डालना है, तो स्वाद अनुसार आप नमक डाल लें, मैं आधा चम्मच डालूंगा इसमें, तो मैं सब इसमें डाल देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें हम एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालेंगे, तो इसका जो फ्लेवर है बहुत खिल के आएगा। तो गुड़ का एक टुकड़ा डाल लें आप, 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच उस हिसाब से। और इसमें खाली दो चीज़ हमने मिलाई है, ये गुड़ और नमक आधा चम्मच। तो अब जो हम सब मिक्सी में डालेंगे और इसे जो हम पीसेंगे बराबर। पहले वाले में तो पानी बोला ही नहीं, अब दूसरे में भी डाल देते हैं, बोल देते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। और इसका कलर लाने के लिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाला था। अब हम सर्व करेंगे और इसे खा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से बनाइए और खाइए। आप पकौड़े के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, जैसे खाना चाहे वैसे खा सकते हैं, बड़ा ही टेस्टी लगता है खाने में। तो खा के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।